अखिलेश यादव के एक और करीबी के यहां आयकर विभाग का छापा। एनसीआर के बड़े बिल्डर और अखिलेश यादव के करीबी अजय चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। एसीई ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग छापेमारी कर रही है। नोएडा में एसीई के ठिकानों पर आईटी की टीम तलाशी ले रही है और दिल्ली, नोएडा, आगरा समेत कई 40 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। चुनाव से ठीक पहले अखिलेश के करीबियों के यहाँ छापेमारी से सियासत गरमाई हुई है। सीएम योगी आज फिर पश्चिमी यूपी को देंगे कई सौगातें। अलीगढ़, सहारनपुर जिलों में कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम। अलीगढ़ को 113 परियोजनाओं का तोहफा देंगे। अलीगढ़ में कासिमपुर पावर हाउस प्लांट का उद्घाटन करेंगे और लोकार्पण भी करेंगे और पीएम आवास योजना में 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री योगी नवाब सिंह चौहान ग्रामोद्धार इंटर कॉलेज में छात्रों को स्मार्टफोन्स और टैबलेट बांटेंगे। देवबंद में एटीएस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास होगा और इससे पहले सीएम लखनऊ में 3200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आज से कांग्रेस पूरे यूपी में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। यूपी के हर जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस गरीबों के पैसे पर कथित तौर पर डाका डालने वाली कंपनियों को लेकर योगी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाएगी। यूपी के बरेली में आज कांग्रेस की महिला मैराथन दौड़ होगी। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत ये दौड़ होगी। दौड़ की विजेता को स्कूटी मिलेगी जबकि बाकी 25 विजेताओं को स्मार्टफोन्स और 100 विजेता लड़कियों को फिटनेस बैंड दिया जाएगा। प्रियंका के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत कांग्रेस 4 से 8 जनवरी तक नोएडा से वाराणसी तक मैराथन दौड़ का आयोजन कर रही है। यूपी में बीजेपी आज से लाभार्थी संपर्क अभियान चला रही है। मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी नेता लाभार्थियों से मिलेंगे। लाभार्थियों को चंदन, कुमकुम और स्टिकर दिया जाएगा। लगातार समर्थन मांगा जाएगा। यूपी में 6,50,00,000 लाभार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य है। पार्टी ने सभी 403 सीटों पर पहुंचने का लक्ष्य रखा। आज से यूपी के 7 और शहरों में ई सिटी बसें दौड़ेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इसका वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। मेरठ, मथुरा, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, अलीगढ़ और आगरा में ई सिटी बस सेवा शुरू होगी। आज यूपी के 7 शहरों में लोकार्पण के बाद अब यूपी के 12 शहरों में दौड़ेंगी ई सिटी बसें। आज AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद के दौरे पर रहेंगे। मुरादाबाद में शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यूपी चुनाव को लेकर ओवैसी लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं।